नमस्कार, उत्तर प्रदेश प्राइम में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद भले ही बीजेपी और सपा बसपा गठबंधन कांग्रेस को कहीं भी लड़ाई में नहीं मान रहे हों, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की गर्मी बढ़ रही है, कांग्रेस मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। बात करें पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों की, तो उनमें करीब 3 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ाई को त्रिकोणात्मक बना रहे हैं। वहीं अंतिम चरण तक देखें तो पूरे प्रदेश में 20 सीटों पर गठबंधन भारी पड़ सकता है। जहां बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ी हुई हैं, तो देखना होगा कि इस बार मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा। भाजपा लोकसभा चुनाव में भले ही 74+ का नारा दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 20 सीटों पर तो गठबंधन का गणित ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें जीती थी। इनमें 20 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों की जीत का अंतर अधिकतम 1.15 लाख मतों का था। इनमें भी 17 उम्मीदवार 1 लाख से कम मतों के अंतर से जीतकर संसद पहुंचे थे। आंकड़ों को देखें तो इन सीटों पर सपा और बसपा को मिले वोट भाजपा को पीछे छोड़ देते हैं। जाहिर है, यदि सपा और बसपा को 2014 की तर्ज पर वोट मिले तो भाजपा की लड़ाई कठिन हो जाएगी। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना संसदीय सीटों के उपचुनाव की तर्ज पर यदि इस लोकसभा चुनाव में भी सपा और बसपा अपने अपने वोट एक दूसरे को दिला ले गई, तो इन 20 सीटों पर भाजपा की जीत की राह कठिन होती दिखाई देती है। जबकि भाजपा के रणनीतिकार भी इस बात को समझ रहे हैं, शायद इसलिए इन्होंने इन सीटों के चुनावी समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश शुरू कर दी है। वैसे राजनीति में कभी 2 और 2 4 नहीं होता है। वोट का गणित माहौल और समीकरण के साथ उम्मीदवारों की छवि और पार्टी के प्रति लोगों के नजरिए पर निर्भर करता है। लेकिन आम तौर पर जिस तरह मुस्लिम मतदाताओं का रुख कांग्रेस की तरफ रहा है, उसे देखते हुए इन सीटों का गणित फिलहाल भाजपा की जीत की राह मुश्किल बनाता दिख रहा है। सपा बसपा ने पिछले लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त और प्रदेश में हुए 3 संसदीय सीटों के उपचुनाव में मिली जीत का संदेश समझा है। अखिलेश यादव और मायावती को त्रिकोणीय मुकाबले से हो रहे नुकसान का एहसास हो गया। साथ ही ये भी समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी के सामने एकला चलो की नीति से भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। नतीजतन सपा और बसपा नेताओं ने परस्पर वैर भाव भुलाते हुए गठबंधन कर भाजपा और मोदी से मुकाबला करने का फैसला किया। ऐसा नहीं है कि उपचुनाव की हार के बाद भाजपा ने कोई सबक नहीं लिया। भाजपा के रणनीतिकार ये समझ चुके हैं कि सपा बसपा गठबंधन भाजपा की जीत की राह को कठिन कर सकता है। इसके बाद से ही दोनों नेताओं ने मोदी और योगी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को अपने वोटों में बदलने पर काम में जुट गए हैं। न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ डेस्क की रिपोर्ट। तो इस बार उत्तर प्रदेश का मुकाबला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ सपा बसपा का गठबंधन है, तो तीसरी तरफ कांग्रेस भी मैदान में है और पुरजोर से कांग्रेस इस बार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरा कैंपेन छेड़ रखा है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में उतारी गईं और उनके आने के बाद तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जैसे जोश ही भर गया। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता अब जोश में दिखाई दे रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उत्तर प्रदेश में कमान संभाले हुए हैं, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, बीजेपी की योजनाओं को फेल बता रही हैं लगातार। तो उधर बीजेपी है जो कहती है कि चाहे प्रियंका गांधी आ जाएं या कोई, उन पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन सिंह जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही सबनम पांडे जी हैं, बीजेपी नेता। सबनम जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। नमस्कार। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी अर्सी रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्सी रजा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत स्वागत है भानु जी आपका भी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश जी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार पांडे जी। सबसे पहले शबनम पांडे जी सवाल आपसे, क्योंकि सत्ता उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है और बीजेपी किसे अपना बड़ा विरोधी के तौर पर देख रही है, या इस बार भी मोदी लहर चलेगी और सीटें हासिल होंगी, या फर्क पड़ने वाला है बहुत ज्यादा? देखिए भानु जी, मैं साफ तौर पे कहती हूँ कि ये तो एकदम निश्चित तौर पे है कि मोदी जी के सामने आज भी उस कद का, उस विजन का कोई भी नेता नहीं है। दूसरी बात, जहां तक आपने कांग्रेस का कहा कि प्रियंका जी निकलकर जगह जगह वो हमारी योजनाओं को फेल बता रही हैं, जनता भी जानती है कि 5 साल तक उन्होंने कभी सुध भी नहीं लिया प्रदेश का, और जिस अमेठी को वो देखती रही थी रायबरेली को, आज देखिए ये उसका हश हो गया उस अमेठी का, कि उनके भाई को राहुल जी को जाके दूसरे प्रदेश में भी दूसरी सीट से लड़ना पड़ रहा है। जो अपना गढ़ नहीं बचा पाए तो वो फिर प्रदेश को क्या कहेंगे। और योजनाएं जो योजनाओं से जो लोग लाभान्वित हुए हैं उनको ये बरगला नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने 52 साल भारतवर्ष की जनता को बहुत बरगलाया, बहुत गरीबी हटाओ के नारे दिए, और लेकिन आज भी ऐसा है कि लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए सरकार का मुंह देखते रहे थे। ठीक है, शबनम जी ठीक है, पक्ष विपक्ष होता है और होना चाहिए, जाहिर है। उत्तर प्रदेश में भी पक्ष है, विपक्ष है, विपक्ष कितना मजबूत है, पक्ष कितना मजबूत है, ये अलग बात है। चुनाव है, आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप होंगे। अरसी राजा जी, प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितनी बड़ी मजबूती मिली है और बीजेपी को किस नजरिए पर आप देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, ये तो आप भी देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की एक आशा थी और वो बड़ी उम्मीद से देख रही थी, और प्रियंका जी ने सहमति दी, और वो खाली कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे भारत का जनमानस चाहता था कि वो राजनीति में आए। वो आ चुकी है मैदान में, और तमाम टीवी चैनल्स के जरिए और अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए आप भी देख रहे होंगे कि जो सदस्यता का परसेंटेज है वो कितनी तेजी से बढ़ा है, और जो ये सीटें तब्दील होके 25 से 30 सीटें उत्तर प्रदेश में, यानी कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है। 25 से 30 सीटें हम उत्तर प्रदेश में खाली जीतेंगे, और जहां तक राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से और केरल से, क्यों? देखिए, साउथ में मांग थी, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रही थी अभी, मैं इसे कहता हूँ, अगर ये इतना मोदी जी का प्रचार या इतना ही सशक्त नेता मान रही है तो मोदी जी को साउथ से भी खड़ा करके देख लें। अगर राहुल गांधी जहाँ से खड़े हैं उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का दिया जलाने वाला भी कोई नहीं है वहाँ पे, और जहाँ तक 52 साल की बात कर रही है, इनके नेता आज तक यही नहीं कर पाए। कोई कहता है 60 साल, कोई 55 साल, कोई 52 साल, कोई 70 साल। अरे ये रोना कब तक रोगे भैया, जो योजनाएं तुम्हारी थी कहीं पहुंची नहीं। संबित पात्रा खुद चूल्हे पे खाना खा रहे हैं, उसका वीडियो आ रहा है, कहाँ है आपके चूल्हे और कहाँ लोगों तक लाभ? चलिए इसका जवाब लेंगे, अरसी राजा जी इसका भी अभी जवाब लेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी। कपीश जी, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ, कांग्रेस को साइड कर दिया गया, क्या मान लिया जाए कि सपा और बसपा ये मानती थी कि राहुल को पीएम की रेस से बाहर कर दिया गया? इस बहाने कांग्रेस से बात नहीं की, आपने गठबंधन कर लिया, तो क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी को पीएम की रेस से बाहर कर दिया आपने? नहीं भानु जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है ये भारत की संवैधानिक परिस्थितियों पर विश्वास करता है, जो संविधान जिस तरीके से हमें कहता है, संविधान ये कहता है कि लोकसभा का जब चुनाव होगा तो उसमें जो भी सांसद चुन करके आएंगे वो अपना नेता चुनेगा। तो ये बात ही बेमानी है, इस पे कोई कयासबाजी नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन से हर दल उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ रहा है, और पूरी धमक है समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, और हम आपको बता रहे हैं कि डबल डिजिट के अंदर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन से के सामने नहीं टिक रही है, और यही सच्चाई। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन तो ठीक है, लेकिन जो अंदर खाने नाराजगी चल रही है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, क्या इन कार्यकर्ताओं को नाराज करके आप चुनाव जीतेंगे? नहीं, कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है, पूरी क्यों? फिरोजाबाद से ही आपके हरिओम यादव जी का बयान आया था,
याद होगा उन्होंने कहा था कि ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा और कहीं चले ना चले फिरोजाबाद में नहीं चलेगा। इसका बयान आया था हरिओम यादव जी का। देखिए ऐसा है फिलहाल तो मैं एक चीज आपको सीधी बात कहता हूँ, ये कहा आदमी की बात आप कह नहीं सकते, अगर आप वैसे ले तो आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो पूरी बगावत चल रही है, पूरी बगावत चल रही है। जोशी जी कैसा लेटर लिख रहे हैं, आडवाणी जी ने अपनी ना खुशी जाहिर की है, यशवंत सिन्हा है, शत्रुघ्न सिन्हा है, सब इनसे टूट गए। और आप जिनकी बात हमारे लिए कर रहे हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता है अगर, तो उनको खुद भी सोचना चाहिए कि अकेले से पार्टी नहीं बनती। और समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल पर डबल कमेटियां हैं, हम बहुत मजबूत स्थिति में है उत्तर प्रदेश के अंदर। और बहुजन समाजवाद पार्टी और जो हमारे रालोद का गठबंधन है बहुत मुश्किल है, 50% हमारा जनमत है, तो हमारे आगे कोई टिकने नहीं रहा है। और जितने लोग लड़ रहे हैं उत्तर एक सवाल जो आज तक उठता आ रहा है कि पिछले 11 सालों से जो पार्टी एक दूसरे को नहीं देखती थी, एक दूसरे पर हमले करती थी, आरोप प्रत्यारोप करती थी, उसको क्या जरूरत पड़ गई एक साथ गठबंधन में आने की। बानू जी बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया, देश इस बात को समझता है कि जिस समय सांप्रदायिकता की शक्ति का विकास हो जाता है, देश के संवैधानिक चूलों को हिलाने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो सारे दुख दर्द जो कुछ भी होते हैं इस देश की जनता भुलवा देती है और सारे लोगों को अपने देश को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो यही एक चीज ऐसी होती है जिसमें एकजुटता, भारत प्रथम, अगर भारत प्रथम है तो सिर्फ हम लोगों के लिए प्रथम है क्योंकि हमें भारत को बचाना है। इसलिए ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखने के लिए हमारे अंदर अगर किसी भी किस्म का कुछ नीतिगत भी दुराव रहा है तो हम सारे लोग एक हुए हैं और एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से नहीं इस देश से हटाने का काम करें। कौन सांप्रदायिकता फैला रहा है आपकी नजरों में? भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग किसके समय में बढ़ी है, हिंदू मुसलमान कौन करता है, ये क्या पांडे जी छुपी हुई बात है? आप सबनम पांडे जी बेहद गंभीर आरोप सुन लीजिए। भानु जी और सिर्फ जी बानू जी, देश को हिंदू और मुसलमान में आज तक सत्ता में रही पार्टियों ने बांटा है, ना कि भाजपा ने बांटा है। भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चली है और सत्ता का सबका साथ सबका विकास किया था। सपा वाले क्या कहेंगे, सपा के अध्यक्ष गोधरा के अंदर 3,000 मुस्लिमों की हत्या हुई थी, अच्छे से जानते हैं। आप बताएंगे किसने करवाया था, कौन किसको राजधर्म सिखा रहा था? आप अपना मुजफ्फरनगर और जवाहर बाग देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी आप ही के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि मोदी जी को सबक दिया था कि राजधर्म निभाओ, गोधरा के अंदर हजारों मुसलमान मरवा दिए गए थे, किसकी सरकार में मारे गए थे? नगर में जो निर्दोष मारे गए आपके समय उसको देखिए। आप तो दंगा बात का सीधा जवाब दीजिए, आज तक का सबसे बड़ा दंगा गोधरा के अंदर चला जो लगभग 1 महीने तक चलता रहा। आपकी सत्ता क्या कर रही थी, सबका साथ सबका विकास का नारा है ना? मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ये भ्रष्टाचारी योगी जी हर मंच से बातें करते हैं, केवल धर्मनिरपेक्षता की बात तो आपके यहाँ का कोई नेता करता ही नहीं है। आप तो सांप्रदायिकता ओढ़ते और बिछाते हैं चंदन जी। आप तो उन पार्टियों के साथ हैं। मुजफ्फरनगर दंगे की आपने मुकदमा क्यों वापस लिया संगीत तौर पर से? देखिए अर्षी रजा जी से मेरा सवाल है सबनम जी, अर्षी रजा जी भी कुछ कह रहे हैं, उन्होंने भी कई आरोप लगाए हैं, उनका भी जवाब आपको देना है। लेकिन एक सवाल अर्षी जी आपसे पहले मेरा, कि आपने नारा दिया चौकीदार चोर है, क्या वो विपक्ष के मैं हूं चौकीदार चोर की आवाज में, मैं हूं चौकीदार की आवाज में दब गया है? देखिए चौकीदार चोर था, चोर है और चोरी कर रहा है। आज भी अदालत ने साबित कर दिया कि लोकतांत्रिक जो हमारी जो भी संस्थाएं हैं उनपे जिस तरीके से हमला हो रहा है, आज वाड्रा जी को जमानत मिली कि नहीं मिली, चौकीदार ने अगर ईमानदार है, चौकीदार चोर नहीं है, तो रफेल की जांच के लिए कमेटी क्यों नहीं गठित करी? आज पूरा देश पूछना चाह रहा है कि आप अकेले अकेले बिरयानी क्यों खाए गए, आपने क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में सबको लिया? आप एक तरफ तो कहते हैं मैं आंखें सर नहीं झुकने दूंगा, आंखें लाल लाल दिखाऊंगा, और जहां चाइना की बात आती है तो आप खामोश हो जाते हैं। ये कौन से चौकीदार हैं? चलिए अर्जी जी इसका जवाब ले लेते हैं सबनम पांडे जी से। सबनम जी क्या मैं हूँ चौकीदार है का नारा ही बीजेपी का एक इकलौता सहारा रह गया है अब?
देखिए बीजेपी ने बहुत विकास किया है अपने विकास के साथ, और जिस तरीके से ये एक भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाले प्रधानमंत्री को ये चोर बोल रहे हैं, और जब उन्होंने चौकीदार का नारा दिया और चौकीदार को भी चोर कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं जो चौकीदार को चोर बोल रहे होंगे वो कितने बड़े चोर हो सकते हैं। ये संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं, इमरजेंसी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो जनता के जो फंडामेंटल राइट है उसको सीज किया। सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए कहा, आशीष जी सुन लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि सीबीआई को इनको पिंजरे का तोता कहा इनके समय में, इन्होंने तो सारे संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करके रखा था। आज जब भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा रहे हैं तो इन्हें चौकीदार चोर दिख रहा है। जनता बताएगी कि ये घोटाले करने वाले पार्टी जो चौकीदार को चोर बोल रहे हैं, इनको किस तरीके से बाहर करेगी और शिकंजे में लेगी, वो इनको चुनाव बाद 23 मई को ही पता चल जाएगा। टीम से आप बिल्कुल बाहर हो गए, हम पलट के आ गए, आप बाहर होते चले जा रहे हैं। ये इनका भ्रम है, मुंगेरी लाल के सपना देखने का सबको हक है, विपक्ष सपना देख रही है, पर जनता जो लाभान्वित होगी, जो भ्रष्टाचार से मुक्त शासन पाएगी, वो निश्चित तौर पे आप ही के नेता कहते थे मध्य प्रदेश से अंगद का पैर है, हटा नहीं पाओगे। अरे आप ही कहते थे 27 साल यूपी बिहार और जाके मिल गए सपा के साथ। आशी राजा जी, आपको अच्छे से याद होगा कि आज 27 साल यूपी बिहार नारा देके साथ में मिल गए। सपा कहती थी कि मायावती जी ने जो, चलिए ठीक है सबनम जी, अर्षी जी आपको रोकना चाहूंगा जी। कपीश श्रीवास्तव जी आज अगर देखा जाए तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो कहते हैं चौकीदार चोर है, वो कहते हैं मैं चौकीदार। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे खोते जा रहे हैं, जनता की बात कोई नहीं कर रहा, जनता के मूलभूत जो मुद्दे हैं उनकी बातें खोती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो सत्ता पक्ष है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष होता है उसको अपनी गरिमा को समझना चाहिए। पहली चीज सबनम जी, अगर आप सुन लेंगी तो फिर उसका जवाब आप बोलिएगा, हम सुन लेंगे। जब आप गलत, अरे सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, अरे सुनने का भी मादा रखिए सबनम पांडे जी, सुनने का भी मादा रखिए। एक मिनट सुन लीजिए, जवाब सभी को देना है, चर्चा सभी से की जाएगी। देखिए इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इन तरह की चीजों से जो है जनता का ध्यान जो है मुद्दों से भटकाया जा रहा है, ये अनुचित है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो पहल कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कही, इस तरह के अब शब्दों का प्रयोग चोर ये अच्छा नहीं है, या संसदीय भाषा, इसको भारतीय लोकतंत्र में बड़ी अच्छी परिस्थिति नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके गर्त में जाकर के देखें तो मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री जो इतने लर्नेड थे, सारी चीज थी, उनको इन्होंने संसद के अंदर कोयला चोर बोला। अखिलेश यादव जी को जिन्होंने की करीब करीब 660 लाख का जो है उन्होंने अपने फंड से, पार्टी के फंड से लैपटॉप बांटने का काम, इधर योगी जी का वादा था बांटा समाजवादी पार्टी ने अपने फंड से, तो उनको ये टोपी चोर कह रहे थे। तो आज उसका क्रिया की प्रतिक्रिया है जो कांग्रेस दे रही है, ये कांग्रेस का हथियार था, और ये जो ये कह रहे मैं भी चौकीदार हूं, ये इनका ढाल है, ये इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कितने भी अगर इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं तो इन्होंने किसी पे भी जांच नहीं बैठाई है। एक नहीं बीसियों ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं कि जो इनके समय में घोटाले हुए हैं। राफेल का जहां तक मामला था, अगर ये जेपीसी का गठन कर देते तो क्या चला जाता, बोफोर्स में इन्होंने डिमांड की थी, कांग्रेस ने माना था, तो इनको भी मान लेना चाहिए था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आखिर प्रधानमंत्री जी क्यों भागना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों भागना चाह रही है। चलिए ठीक है, अब सबनम पांडे जी से पूछ लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। सबनम पांडे जी, 25 लाख चौकीदारों से मन की बात करते हैं मोदी जी, क्या बात बन पाएगी 2019 में? अपने मन की बात करते नहीं सुनते हैं। देखिए भानु जी, ये जो सपा बसपा और कांग्रेस है, ये मौका परस्त पार्टी है, और ये घोटाले की बात करते हैं, और इसकी ये तो इस घोटाले प्रूफ नहीं कर पाए, ये मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। इनके घोटाले तो सब जानते हैं, सपा का रिवर फ्रंट घोटाला है, अभी तो एक्सप्रेसवे में घोटाला निकलेगा, इनके पेंशन में कितने फर्जी पेंशन मिले, समाजवादी पेंशन के नाम पे इनके कार्यकर्ता पेंशन लेते रहे, राशन घोटाला मिल रहा है, इनके तमाम घोटाले हैं।
बीएसपी जो जिसने स्मारक घोटाला इतना बड़ा किया उसके साथ ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस तो घोटाले की एकदम हिस्ट्री बनाने में लग गई भारत के, और उन लोगों को आज निश्चित तौर पर। चलिए अर्षी रजा जी आप कह रहे हैं दूसरों की मन की बात नहीं सुनते, क्या लगता है ये मन की बात है मत की बात है? अर्षी जी ये अपने मन की बात करते हैं और मनगढ़ंत करते हैं, ये दूसरों की बात नहीं सुनना चाहते हैं, दूसरों को दबाना चाहते हैं, ये तानाशाही है सरकार की। और इमरजेंसी में तानाशाही आपने किया था, इमरजेंसी आप लगाए थे, हमारी सरकार ऐसा नहीं करती। आपने जनता की जो फंडामेंटल राइट था उसको सीज किया, सारा विपक्ष को आपने जेल में बंद किया, और आप कहते हैं तानाशाही की बात, तानाशाही तो आप करते थे। तानाशाही नहीं है तो भी क्या है, लोकशाही कहाँ है, तानाशाही। आज जितना लोकतंत्र मजबूत हुआ है देश में, इतना आजादी के बाद कभी मजबूत नहीं हुआ। अगर आपने विपक्ष को जेल में भर दिया तो आप सुनना तो दूर की बात, विपक्ष को जेल में भरने का काम किसने किया था? आरसी जी, विपक्ष को जेल में भरने का काम किसने किया था उसका जवाब दीजिए। इससे ज्यादा क्या हो गया बताइए जी, को रोकना चाहूंगा अर्षी जी शबनम जी रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है। संवाददाता लखनऊ से पवन सिंह जी हमारे साथ हैं। पवन सिंह, क्या लग रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण खेल बिगाड़ सकते हैं? जी मानो जी, स्थितियां काफी भिन्न है हर बार के लोकसभा चुनाव से, इस बार का लोकसभा का चुनाव काफी अलग है, क्योंकि जो यहाँ के क्षेत्रीय पार्टियां थी दोनों एक साथ है और एकजुट है। ऐसे अगर सही सही किताबी आंकड़े देखे जाए तो जिस हिसाब से क्षेत्रीय पार्टियों का आंकड़ा है वो तो ऐसे दिखने में लगता है कि नहीं बहुत भारी है, लेकिन अब कितना परसेंटेज वोट कन्वर्ट हो सकता है ये बहुत मायने रखता है। धरातल पे ये चीज अगर कन्वर्ट हुई तो दूसरा फिगर सामने आएगा, और बाकी कुल मिला के जो स्थितियां हैं इसमें त्रिकोणात्मक हो चुकी है। कांग्रेस भी अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और बहुत ज्यादा अपने आप को पटल में लाने की पूरी कोशिश कर रही है, और जितनी पार्टियां सारी पार्टियां बीजेपी से ही लड़ाई कर रही है, और बीजेपी इस समय बिल्कुल तटस्थ है, तो स्थितियां काफी अलग हैं और चुनावी माहौल इस समय काफी स्पीड में है। जो कुछ हो सकता है जमीनी हकीकत अभी वक्त आएगा तो पता चल पाएगा। जी भाभी जी, लेकिन जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं जो जिसको तीसरे मोर्चे के रूप में भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, उनकी कितनी अहम भूमिका हो सकती है इस बार? जी भानु जी, चूंकि ये पार्टियां यहाँ पे क्षेत्रीय रूप से काफी अपना जड़ जमाए हुए हैं और जमाने से लोग यहाँ पे लोकल रूप से बड़ी सशक्त राजनीति करते हैं, उसका काफी असर होगा, और लोकल राजनीति का बड़ा असर होता है। जो लोग एकदम बिल्कुल नजदीक वन टू वन बूथ तक बिल्कुल लगे हुए हैं उनका काफी असर होता है लोगों के साथ, और जिनका डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट होता है उसका असर वोट में कन्वर्ट होने में काफी अहमियत रखता है। इस बात को देखने के लिए जो क्षेत्रीय पार्टियां, अब ये अलग की बात है कि अगर इशू इंडियन नेशनलाइज हो जाएगा तो उस लेवल पे कोई भी वोट कहीं भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन बाकी क्या स्थिति होगी ये तो वोटर बता सकता है क्या स्थिति हकीकत। बिल्कुल पवन सिंह, बाकी क्या स्थिति होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, फिलहाल वक्त हमें इजाजत नहीं देता चर्चा को बढ़ाने के लिए। अब सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कौन किस पर भारी होगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है। कोई बीजेपी की बात करता है तो कोई कांग्रेस, तो कोई सपा बसपा गठबंधन की बात कर रहा है, कोई महागठबंधन की जीत का दावा करता है, लेकिन क्या होगा भविष्य ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश प्राइम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।